योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं योग की बहुत सारी वैकेंसियां लेकर। आज हम योग की बहुत सारी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि केंद्रीय विद्यालय से संबंधित होंगी। इसमें अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसियां होंगी। इनको आप अगर यदि देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो पूरा देखें, यदि आप बीच में छोड़ेंगे तब आपको नुकसान ही होगा, इस बात का ध्यान रखें। पूरा विज्ञापन आपको देखना होगा, पूरा वीडियो देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह एक बार आपसे कहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर दें तो पेड ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। और ये ग्रुप नहीं होता है पेड, पेड जो है वो आप मेंबर बन जाते हैं और सारी जानकारी आपको पर्सनल मिलती है। और यदि आपके वहाँ की कोई वैकेंसी आती है तो उसकी सबसे पहले अपडेट आपको मिलती है और भी बहुत सारी सुविधाएँ आपको दी जाती हैं। 230 रुपये जिसका 11 माह का चार्ज हम लोग लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी आपकी है केंद्रीय विद्यालय गढ़ा जबलपुर की। केंद्रीय विद्यालय गढ़ा जबलपुर में योग की वैकेंसी आई है। अगर हम बात करें पद की तो पद का नाम है योग प्रशिक्षक। अगर बात हम करें क्वालिफिकेशंस की तो वही जो सारी जगह क्वालिफिकेशंस मांगते हैं वही यहाँ पर भी मांगा हुआ है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। शासकीय मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री एवं योग शिक्षा में डिग्री अथवा पीजी डिप्लोमा एवं हिंदी माध्यम से पढ़ाने की योग्यता आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें सैलरी की तो सैलरी 21,250 रुपये है। आवेदन पत्र आपको विद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और भरने के बाद आपको जो फॉर्म रहेगा वो फिल करने के बाद 16/3/2020 शाम को 4 बजे तक स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड जो आपकी पोस्ट होती है उसके द्वारा आपको विद्यालय की मतलब विद्यालय में भेज देना है। इसके बाद आपका साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार का जो दिनांक दिया हुआ है वो आपका योग का दिया है 22/3/2020 दिन रविवार, देख लीजिए। विद्यालय की वेबसाइट है www.garha.kbs.ac.in। इसके अलावा आप yogavacancy.blogspot.com के माध्यम से भी सारी जानकारी देख सकते हो और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। देख लेते हैं अगली वैकेंसी कहाँ की है। अगली वैकेंसी आपकी है केंद्रीय विद्यालय द्वारका ऑब्लिक में ओखा दिया हुआ है। द्वारका और ओखा संभवतः जो है वो गुजरात में स्थित है, तो केंद्रीय विद्यालय द्वारका में भी योग की वैकेंसी है। योग शिक्षक का पद है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की तो आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 21,250 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 19/3/2020 को आपका साक्षात्कार रहेगा, आप समय पर पहुंच जाइए और साक्षात्कार दे दीजिए। 9 बजे से आपको पहुंचना पड़ेगा। विद्यालय की वेबसाइट है www.dwarkagujarat.kbs.ac.in। वेबसाइट पे द्वारका गुजरात देवी रखा है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि द्वारका जो है गुजरात में स्थित है। यदि आप चाहें ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना तब आप विद्यालय की वेबसाइट के साथ साथ हमारा जो ब्लॉग है www.yogavacancy.blogspot.com इसको भी देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं योग की अगली वैकेंसी कहाँ की आई हुई है। अगली वैकेंसी आपकी है केंद्रीय विद्यालय लालगढ़ जाटान की। तो केंद्रीय विद्यालय लालगढ़ जाटान में भी योग की वैकेंसी आई है। पद का नाम योग अनुदेशक, जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है। पद की संख्या 1 है। क्वालिफिकेशंस आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सैलरी 21,250 रुपये रहेगी। साक्षात्कार जो आपका रहेगा वो रहेगा 20/3/2020 को, समय पर पहुंच जाइए और इंटरव्यू आप दे दीजिए। यहाँ पर इन्होंने फॉर्म भी दे रखा है, आप देख लीजिए।
ये सीधा दे रखा है। आप चाहें तो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस पर चले जाइए, यहाँ पर दे रखी है lalganjatan.kvh.ac.in, या आप चाहें तो www.yogavacancy.blogspot.com खोल लीजिए और देख लीजिए। चले देख लेते हैं योग की अगली वैकेंसी कहाँ की आई है। लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करते रहें, मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग जो है देख रहे हैं पूरा वीडियो। चले देख लेते हैं, केंद्रीय विद्यालय NTPC दिव्यापुर में भी योग की वैकेंसी आई है। पद का नाम है योग इंस्ट्रक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे हो योग टीचर यहाँ दिया हुआ है। बात वही रहती है, योग टीचर या योग इंस्ट्रक्टर हो, योग कोच हो, सेम वही रहती है। क्वालिफिकेशंस आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। पद की संख्या एक ही है, 23/3/2020 को आपका साक्षात्कार रहेगा। आपको सुबह 8 बजे पहुंच जाना है रजिस्ट्रेशन के लिए। फॉर्म वगैरह जो है डाउनलोड करना है तब आप www.ntpcdiviapur.kbs.ac.in से कर सकते हैं, साथ ही www.yogavacancy.blogspot.com से भी सारी जानकारी देख सकते हैं। चले देख लेते हैं अगली वैकेंसी कहाँ के केंद्रीय विद्यालय में आई हुई है। केंद्रीय विद्यालय के अलावा जो भी वैकेंसी आती हैं उनके बारे में भी हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय जगदलपुर में योग की वैकेंसी आई है। यहाँ पर योग इंस्ट्रक्टर का पद है, पद की संख्या एक है, क्वालिफिकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो देखने वाली बात जो यहाँ पर है वो आप ध्यान से देख लीजिए। पहली बात तो यहाँ पर आपको ये जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म आपको दिखाई देगा, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद ही आप साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं। अगर आपने नहीं भरा है तब आप उपस्थित नहीं हो सकते। अगर आपने भर दिया तो इसके बाद आप साक्षात्कार के लिए चले जाइए। कब जाना है? 21/3/2020 दिन शनिवार। क्वालिफिकेशंस आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर मानदेय जो है वो देखने वाला है, मानदेय यहाँ ज़्यादा है, 26,250 रुपये आपको मिलता है। मानदेय यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। चले इसमें बस इतना ही है, अगली वैकेंसी देख लेते हैं। अब अगली वैकेंसी कहाँ की है? अगली वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय भेल जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश से है। तो केंद्रीय विद्यालय भेल जगदीशपुर अमेठी उत्तर प्रदेश में भी योग की वैकेंसी आई है। वही योग इंस्ट्रक्टर का पद है, आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 18 से 65 साल का व्यक्ति आवेदन कर सकता है ना। सैलरी वगैरह वही 21,250 रुपये है। यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी है जो कि मेन है, मेन ये है आपको देखने वाली कि 21/3/2020 तक आपको kvhale/2008@yahoo.com इस पर अपना जो है फॉर्म भरकर आपको भेजना है आवेदन पत्र। अगर आप नहीं भेजते हो तब आप वहाँ पर नहीं जा सकते इंटरव्यू के लिए। अगर आपने भेज दिया है तो फिर आपको 23/3/2020 को सुबह 9 बजे साक्षात्कार के लिए विद्यालय में पहुंचना है। फॉर्म इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, तो यदि आप चाहें तो इनकी विद्यालय की वेबसाइट पर चेक कर लीजिए और आवेदन फॉर्म भी डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप www.yogavacancy.blogspot.com से देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं योग की अगली वैकेंसी। केंद्रीय विद्यालय सलीमपुर, यहाँ पर भी योग की वैकेंसी आई है, इसको भी आप देख लीजिए क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है। वही योग इंस्ट्रक्टर का पद है, आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तब आप यहाँ पर जो है जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म भरकर 20/3/2020 तक भेजना है, इसके बाद आपको इंटरव्यू की जानकारी दी जाएगी, इस बात का बस ध्यान रखना है ना।
आप चाहें तो www.yogavacancy.blogspot.com से ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, भेज दीजिए, इंटरव्यू की जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए अगली वैकेंसी देख लेते हैं। अगली वैकेंसी आपकी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक वन वायुसेना गोरखपुर से। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक वन वायुसेना गोरखपुर में भी योग की वैकेंसी आई है। पद का नाम है योग इंस्ट्रक्टर, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। क्वालिफिकेशंस आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा नहीं है तब आप आवेदन नहीं कर पाओगे। सैलरी 21,250 रुपये है। साक्षात्कार का जो दिनांक रहेगा वो 22 मार्च 2020 संडे को रहेगा। संडे को यहाँ पहुँच जाइए और आराम से इंटरव्यू दे दीजिए। 9 से 10 बजे के बीच में आपको पंजीयन होगा। विद्यालय की वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, www.1gorakhpur.kvs.ac.in। अगर ये वेबसाइट आपकी ओपन नहीं होती है तो ये ब्लॉग पर भी हमने फॉर्म दे रखा है, www.yogavacancy.blogspot.com। यहाँ से आप जो है फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, भरकर विद्यालय में ले जाइए। अगली वैकेंसी देख लेते हैं और आज की लास्ट वैकेंसी देखेंगे। अगली वैकेंसी आपकी केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार दिल्ली से है। केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार नई दिल्ली में भी योग इंस्ट्रक्टर का पद आया है। पद एक ही है। आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर हम बात करें साक्षात्कार के दिनांक की तो 28/3/2020 को आपका साक्षात्कार होगा। 8 बजे से 10 बजे, 8 से 9 के बीच में आप पहुंच जाइए और वहां पर जाके अपना पंजीकरण करवा लीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप pushpavihar.kvs.ac.in देख लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वैकेंसी के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को साथ ही साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।